प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुए बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या के विरोध में वाल्मीकि समाज ने मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा व इंदौर शहर वाल्मीकि समाज की चारों पंचायत ने मंगलवार को हाथ में काली पट्टी बांधकर उसे काले दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद संभागायुक्त कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारी नेता लीलाधर करोसिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना घटी है उसको लेकर वाल्मीकि समाज में बड़ा रोष है, इसलिए सभी वाल्मीकि समाज के लोगों ने मंगलवार को काली पट्टी बांधकर काम करने का निर्णय लिया था। उसके बाद आरोपियों को फांसी के लिए संभागायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो वहाँ पर कॉलेज में टॉपर थी, ऐसी होनहार छात्रा के संग वहाँ पर गैंगरेप हुआ, उसकी जीप काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ी गई और ऐसी विभत्स घटना का वहाँ के एसपी, वहाँ के डीएम ने वहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होने दी, समाज के लोगों को नहीं मिलने दिया, राजनीतिक लोगों को नहीं मिलने दिया और ऐसी घटना जिसको छुपाया जा रहा है, जिसकी रात के 2 बजे ताकि उसकी जांच पड़ताल ना हो, 2 बजे उस बहन को पेट्रोल डालकर वहाँ के डीएम की उपस्थिति में जला दिया गया। तो वाल्मीकि समाज इंदौर से आवाज उठाता है कि पूरे भारतवर्ष के वाल्मीकि समाज तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कर्मचारी संगठन सारे एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे कि चारों हत्यारों को फांसी हो, उन बलात्कारियों को सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि ऐसा दुष्कर्म, ऐसी घटना करने के लिए इस प्रकार के अपराधी दोबारा साहस ना दिखाए। वाल्मीकि समाज इंदौर की चारों पंचायतें, नगर निगम के कर्मचारी संगठन एवं राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रताप करोसिया के नेतृत्व में ये सतत आंदोलन जारी रहेगा जब तक बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा, उन हत्यारों को फांसी नहीं मिलेगी। लीलाधर करोसिया, अध्यक्ष कर्मचारी कामगार यूनियन।